हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ब्लॉग गाइस। मैं जिसका इतने दिनों से वेट कर रही थी वो पार्सल आ चुके हैं। चलो आपके साथ शेयर करती क्या आया है मेरे साथ, और मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि एक नहीं दो नहीं तीन तीन पार्सल मुझे आज रिसीव हुए हैं, जो कि मैंने ये राखी से कुछ दिन ही पहले ऑर्डर किया था। मान के चलिए आपको 4 से 5 दिन पहले ऑर्डर किया था, और थैंक गॉड ये टाइम पे आ गए हैं। तो चलो इसकी करते हैं अनबॉक्सिंग, इसका करते हैं मर्डर, सॉरी मर्डर नहीं, आपको इसके मतलब इसका चीर फाड़ करके आपको दिखाते हैं कि इसके अंदर क्या क्या आया है। तो सबसे पहले देखो ये वाला पार्सल आया, जो कि इसकी मैंने कर दी अनबॉक्सिंग। इस वाले पार्सल में एक ब्लू कलर का गाउन है जो कि कुछ इस तरीके है, इसे आप अनारकली भी बोल सकते हो और अम्ब्रेला फ्रॉक की तरह भी है। तो ये काफ़ी घेर है इसके अंदर, तो ये मुझे कुछ समथिंग 500 कुछ का पड़ा है। तो आप बताना ये इसका रेट ज़्यादा है सही है, फ्रॉक कैसा है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। कि कुछ ये ब्लू कलर का कुछ इस तरीके से ये फ्रॉक है, और पहनने के बाद काफ़ी ज़्यादा प्यूटी लगेगा ये आपको। तो ये कुछ इस तरीके का, इसमें कोई भी प्रिंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल है और प्लेन है। तो आप इसे कहीं भी पहन के जा सकते हो। और सेकंड बात, इसके साथ जो इसका लटकन भी ऐसा ना, वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक है। आप किसी भी ट्रैवल वगैरह में जाओ, अगर आपको नींद आ रही हो तो आप वहाँ सो भी सकते हो सोने के साथ इसके, क्योंकि इसके भी लटकन के पीछे ना आपको तकिया ज़रूर मिल जाएगा, तो आप इस पर सो भी सकते हो। इसका दुपट्टा भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, उसमें भी कुछ ज़्यादा प्रिंट वगैरह नहीं है, सिर्फ साइड साइड में लेसेस वगैरह लगी हुई हैं। तो दुपट्टा भी बहुत हल्का है, आप इजीली इसे रख सकते हो कंधे पे, ये सरकेगा भी नहीं, आपके पिन अप करके रख सकते हो। तो चलो इसे बाद में ओढ़ेंगे, पहले आपको सेकंड पार्सल दिखाते हैं जो कि है, आप गेस करो किसका है। तो ये पार्सल है मेरा जो कि मैंने अपने लिए ऑर्डर किया था, और ये भी कुछ ऐसे गाउन टाइप में ही है। तो चलो इसको ना मैं आपको खोल के दिखाती हूँ, काफ़ी ज़्यादा मेरे को बड़ा भी आया था, तो इसको मुझे फिटिंग वगैरह भी करवाना पड़ेगा क्योंकि अभी तो टाइम है नहीं, और क्योंकि कल है राखी, तो मैं इसे फिटिंग वगैरह इस बार तो नहीं करवा पाऊँगी। मैं इसको नेक्स्ट बार टाइम पहनूंगी तब करवा पाऊँगी। फिर राखी की गाइस मैंने वीडियो शूट नहीं कर पाई क्योंकि राखी कुछ ऐसे टाइम पर था जो कि इस वजह से मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई। तो देखो सबसे पहले तो इसे मैंने ओपन किया, ये मुझे पहले लगा था कि नेट में है, बट ये नेट में नहीं है, ये वैसे ही कपड़ा है, बिल्कुल हल्का कपड़ा है, जिससे मतलब आपको मतलब ये हल्का कपड़ा भी है और आपको ऐसा भी नहीं लगेगा कि ये नेट में नहीं है, तो ये दिखेगा भी नहीं इसके कुछ भी। तो ये कुछ इस तरीके का, इसके मैं दो पार्ट्स में डिवाइड था ये। चलो इसको तो रखते हैं, अब लास्ट वाले पार्सल को देखते हैं कि इसमें क्या आया है, और उसमें भी आई थिंक आपको दिखाती हूँ। चलो इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, इसमें भी आपका गाउन ही आया होगा। ये गाउन थोड़ा सा दोनों से डिफरेंस है, मतलब तीनों गाउन थ्री टाइप्स का था। तो ये इसमें कुछ इस तरीके से इसका बेल्ट वगैरह भी दिया हुआ है, जो कि अच्छा लगता है आपको बेल्ट वगैरह इसमें मिला है। देखो कुछ इस तरीके से है ये बेल्ट, तो अच्छा लग रहा था इसे बांधने के बाद प्रॉपरली। तो इसे हम निकालते हैं इस फ्रॉक को, तो ये कुछ इस तरीके का ऊपर से इसका, पहले जैसे हम बचपन में पहनते थे ना इस तरह का फ्रॉक, कुछ हम ज़्यादा बचपन में ज़्यादा पहनते थे, छोटे छोटे थे तब, तो इसी तरीके का कुछ ये फ्रॉक है। तो बाकी का इस वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टाटा बाय बाय गाइस।